हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवर स्टूडेंट्स फाइन, ग्रेट, परफेक्ट। अच्छा जी, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेटा एंड इट्स टाइप। लास्ट टाइम जो हमने इसको टॉपिक कवर किया था उसमें हमने अंदर अपने डेटा की बात की थी और हमने डेटा में अपना क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, इन तमाम के बारे में बहुत चीज़ हमने बात की, ठीक है ना। तो आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन हम कर रहे हैं किसके ऊपर, अपने डेटा एंड इट्स टाइप, ठीक है ना। पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेटा एंड इट्स टाइप, ठीक है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब अगर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के हिसाब से बात हो तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट डेटा। व्हाट इज डेटा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर नोन एज डेटा। ब्रॉडली स्पीकिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। इट्स मीन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर नोन एज डेटा। इट्स मीन डेटा इज अ, डेटा को हम कह सकते हैं, डेटा क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है। जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसके हिसाब से हमारी क्या है, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी वाइज, अब जो वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के भी मेथड है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी क्या है, मेथड है। अब वो मेथड्स क्या है, वो मेथड आपको यहाँ पे गिवन है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है ना। तो बात करते सबसे पहले किसके लिए, प्राइमरी डेटा के लिए। तो प्राइमरी डेटा के लिए आप जरा इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, पढ़िएगा कुछ चीजों को। पहले तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा एक थॉरली रीड कर लें, आप इसको है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर चीजें क्या है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाए। प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा व्हिच कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब जब भी हम डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल होता है, उसके अंदर कोई भी चीज जो है वो मिक्स नहीं हुई भी होती, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होता है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है ना। एंड दे आर ओरिजिनल इन नेचर, ओरिजिनल इन नेचर, जब उसके अंदर कुछ ऐड ही नहीं हुआ है तो उसका मतलब वो क्या हो गया, ओरिजिनल इन नेचर हो गया। These type of data need the application of a statistical method for the purpose of the analysis and interpretation. उस data के types पे आप फिर जब हम क्या करते हैं, जब हम उस raw facts की बात करते हैं उस data पे फिर हम क्या करते हैं, हम method apply करते हैं अपना। कौन कौन सा method apply करते हैं, analysis का और interpretation का, ठीक है ना। दरअसल जो भी आपने data collect किया है उस data collect करने के बाद आखिरी जो statement आती है वो हमारे प्रोसीजर में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो हम डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं, डेटा कलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकले। अब कोई ना कोई टॉपिक होगा, कोई ना कोई डिस्कशन होगी जिसपे हम डेटा कलेक्ट करना चाहेंगे और डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसका आंसर निकालेंगे और निकालने के बाद जो है वो ऑडियंस में प्रेजेंट करेंगे, पब्लिश होती है बाकायदा न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होती है अब चीजें, ठीक है ना। तो द लास्ट सेकेंड लाइन इज, अब देखें सेकेंड लाइन में जो मैं यहाँ पे आपको एक बात कर दूं, देखें आप लेजर देखें, प्राइमरी डेटा और प्राइमरी डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फर्स्ट हैंड डेटा, ठीक है ना। तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो आपका फर्स्ट हैंड डेटा होता है, आप इसको भी कह सकते हो प्राइमरी डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो बात तो गलत नहीं है, बात तो सही है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है आपकी, फर्स्ट हैंड डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा। वो डेटा जो आप क्या कर रहे हो डायरेक्टली खुद कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है और वो अपने ओरिजिन इन नेचर में है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई भी, तो वो जो है वो डेटा आपका क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हैंड डेटा,
क्लियर? इज देर एनी क्वेरी? नाउ ओके, एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय द क्लास टीचर अबाउट द क्लास स्टूडेंट थ्रू टॉक विद द स्टूडेंट्स. रिपोर्ट ऑफ एन एक्सीडेंट रिकॉर्डेड बाय द एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट बाय अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर. तो ये दोनों डेफिनेशन आप देखें, इसमें पहले में बात क्या कर रहा है कि टीचर जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहा है किसके थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू कलेक्ट कर रहा है, उनसे बात करके कलेक्ट कर रहे हैं. आपसे आप बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्लास से बात कर रहे होते हैं तो आपस में रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, उसका मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन हो रही होती है वो डायरेक्टली हो रही होती है. मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा होता हूँ क्लास के अंदर, तीसरा कोई बंदा उसमें आके मेरी कही की बात नहीं कर करेगा, वो तीसरा बंदा आके मेरी मेरा लेक्चर अटेंड नहीं करवाई करेगा. ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना. अब उसके अंदर एडिटिंग कोई करेगा तो वो प्राइमरी डेटा नहीं होगा. मेरे पढ़ाए पे में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन क्या होगी, प्राइमरी डेटा की हो गई. लेकिन अगर मेरे पढ़ाए हुए में कोई एडिटिंग हो जाए, यानी कोई थर्ड पर्सन किसी फोर्थ पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नॉट कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा. ठीक है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्ट ऑफ एन एक्सीडेंट रिकॉर्डेड बाय एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट बाय अ न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टेड. जो एक एक्सीडेंट कभी हुआ था रोड के ऊपर और जो है उसको जो एक्सीडेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, कोई ना कोई बंदा होगा, रिपोर्टर होगा. ठीक है ना. वो उसने डेटा जो है वो देखा और देखने के बाद जो है उसने अपने न्यूज़पेपर में जो है उसको क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया. ठीक है ना. न्यूज़पेपर में उसने क्या कर दिया, उस एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस कर दिया. वो एक्सीडेंट कोई भी एक्सीडेंट हो, वो रोड एक्सीडेंट हो सकता है, वो स्नैचिंग हो सकती है, व्हाटएवर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है ना. तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. तो अगर कोई बंदा, मैं आपको मैंने कहा फर्स्ट एग्जांपल में कि अगर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ तो इट्स मीन कि मैं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, बीच में कोई थर्ड रिसोर्स इन्वॉल्व नहीं कर रहा. अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं क्या बीच में कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व है, नहीं. हाँ, ये है कि बीच में हमारे जो बीच का नेट है, आपका लैपटॉप से है, तमाम चीज आपके पास अवेलेबिलिटी है. तो दिस इज सम थर्ड रिसोर्स बट नॉट अ फिजिकल रिसोर्स, नॉट अ पर्सनल रिसोर्स. इसमें हम कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं कर रहे बीच में. फिर एक्सीडेंट की बात हुई, जब एक्सीडेंट की बात हुई न्यूज़पेपर में, जब भी हम कोई न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आखिर में एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि किस न्यूज़कास्टर ने, किस रिपोर्टर ने इस एक्सीडेंट के बारे में बताया है. ये बात क्लियर, दोनों चीजें क्लियर हैं. ठीक है ना. रिपोर्टर ने, न्यूज रिपोर्टर ने क्या किया, न्यूज रिपोर्टर ने क्या किया, एक एक्सीडेंट देखा, उसके बारे में जो है वो डिस्कस कर दिया न्यूज़पेपर में से ही. ठीक है ना. मतलब उस एक्सीडेंट के हवाले से, और उस एक्सीडेंट को कहाँ डिस्कस कर दिया, न्यूज़पेपर में डिस्कस कर दिया, आर्टिकल में छाप दिया अपने, उसके अंदर लगा दिया. आपका डॉन आता है, आपका आपका जंग आता है, इसके अंदर न्यूज बहुत सारी आ रही होती हैं. तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, उसमें अपना जो न्यूज रिपोर्टर है वो अपनी न्यूज अनाउंस कर रहा होता है. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन हियर? Okay. Now, move to the next topic. What is secondary data? First of all, आप इसको एक दफा read कर लें, थोड़ा और read कर लें, उसके बाद फिर discuss करते हैं what is secondary data. ये बहुत important है कि आपको read करने से आपका जो method है वो आपको clear होगा. Now, I am reading this. Secondary data are those data which have been collected by someone. अब किसी third person से आप data collect करवा रहे हो, third person से आप data क्या कर रहे हो, data collect करवा रहे हो, and have gone through the statistical techniques or methods at least once. इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो हैं वो जब किसी से डेटा कलेक्ट करवा रहे होते हैं तो फिर आप कोई ना कोई स्टैटिकल मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं इसके ऊपर, कोई एक ऐसा मेथड जो
सेकेंडरी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सेकेंडरी डेटा को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है ना। देन दे आर यूजली रिफाइंड फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स। रिफाइन का मतलब क्या होता है, आपके आपने क्या कर दिया उसको, उसके अंदर कोई चीज रिफाइन कर दी, मिक्स कर दी, ठीक है ना, किसके अंदर, रॉ मटेरियल्स के अंदर। रॉ मटेरियल में जब आप इसमें कोई चीज एडिटिंग कर देते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड रिफाइंड फॉर्म ऑफ डेटा, रिफाइंड फॉर्म ऑफ डेटा। सेकेंड डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। लास्ट स्टेटमेंट आप ये रहती है क्या, सेकेंडरी डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। वो जो प्राइमरी थी वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो सेकेंडरी है वो थर्ड हैंड सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है। अब समझे इस बात को सही से, सुनारियों से समझे। थर्ड पर्सन जो है, हमने क्या किया, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया डेटा कलेक्ट करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, क्या वो डेटा कंफर्म है कि वो वही होगा जो उसने बताया, क्योंकि वो उसमें एडिटिंग भी तो कर सकता है। मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे डायरेक्टली फिजिकली पूछ रहे हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट पे पूछ रहे हैं, आप मुझसे चैट पे पूछ रहे हैं, आप मुझसे क्लास के अंदर जब हम लोग होते हैं तो क्लास में पूछ रहे होते हैं आप मुझसे, तो हम दोनों आपस में बीच में बातें कर रहे होते हैं, तो फिर आपको जो भी क्वारीज होती हैं आप बताते हैं मुझे और फिर मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर किसी किसी थर्ड पर्सन को उसमें इन्वॉल्व कर दिया कि हाँ भी मैंने कहा कि बेटा आप इनसे समझ लेना, मतलब किसी एक स्टूडेंट को कहा कि आप इन वाले स्टूडेंट से टॉपिक समझ लीजिएगा, इस बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और जो है इस पर बहुत अच्छी ग्रिप है, मेरा भी मेरी जो मैं क्लासेस कंसेक्यूटिव है तो मैं आपको अभी टाइम नहीं दे पाऊंगा, आपको अभी कोई भी क्वारीज हो ना आपको आप अभी बैठ के इनके साथ डिस्कस कर लें, ठीक है ना। तो क्या होता है फिर, वो जो है वो भी उसी टॉपिक को बता रहा होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है ना। उस बंदे, अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसका मतलब उसके पास भी अपनी अपनी कोई अपनी पर्सनल एग्जाम्पल्स भी होंगी, ठीक है, तो वो मेरी एग्जाम्पल भी कोट कर रहा होगा, ठीक है ना, और उस पॉइंट को और अच्छा पढ़ाने के लिए और अच्छा बताने के लिए क्या पता वो और भी मजीद एग्जाम्पल्स और अपने पास से क्रिएट करके उसको डिफाइन कर रहा होगा ताकि अगले को समझ में आ जाए वो बात क्या है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पर्सन जो डेटा होता है, थर्ड पर्सन का जो डेटा होता है वो एडिटेबल डेटा होता है, ठीक है ना, उसमें हम एडिट कर चुके हुए होते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी हैंड बन जाता है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेकेंड हैंड डेटा, ठीक है, क्लियर। प्राइमरी में कोई मिक्सिंग नहीं है, डायरेक्टली है, सेकेंडरी में आप मिक्स हो चुका है, क्योंकि मिक्स होगा तो सेकेंडरी होगा, मिक्स नहीं होगा तो वो प्राइमरी होगा, ठीक है ना। मिक्स अगर है तो सेकेंडरी है, मिक्स नहीं है तो उसका मतलब वो क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या हुआ, एडिट कर लें इसको। डेटा अबाउट द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास टीचर फ्रॉम द कुली ऑफिस, क्या कहा इसे, डेटा अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टीचर फ्रॉम द कॉलेज ऑफिस। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्लास टीचर जो है वो अपने अपने कुलीग से बच्चों के बारे में राय जानता है, डिस्कस कर रहा होता है कि हाँ भाई कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया, मैं बच्चे की इंफॉर्मेशन बच्चे से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं किसी और से पूछ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। न्यूज़पेपर में हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या न्यूज़पेपर में जो एक्सीडेंट लिखा हुआ होता है क्या हमने खुद ने देखा हुआ है, क्या हमने वो एक्सीडेंट खुद देखा है, नहीं देखा वो एक्सीडेंट हमने खुद ने नहीं देखा, हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जस्ट को न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने वो डेटा दिया था न्यूज़कास्टर ने, न्यूज़ रिपोर्टर ने, तो उसके लिए तो वो प्राइमरी था, लेकिन मैं जो हूँ वो तब क्या कर रहा हूँ, अब मैं वो थर्ड पर्सन हूँ, ठीक है ना। अब मैं उस डेटा को डायरेक्ट देख नहीं रहा हूँ, एक्सीडेंट को देख नहीं रहा हूँ,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको जस्ट रीड कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे लिए सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब कोई उलझन नहीं है सेकेंडरी डाटा में और प्राइमरी डाटा के अंदर। प्राइमरी जो है वो आपका रॉ मटेरियल है, आपका सेकेंडरी जो है वो रिफाइंड है, ठीक है ना। प्राइमरी के अंदर जो भी बात होती है वो एडिटेबल नहीं होती, जबकि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो होती ही एडिट करने के बाद है, ठीक है ना। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के अंदर टीचर आपस में, प्राइमरी डेटा में हमने कहा है प्राइमरी डेटा के अंदर जो है वो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं लाइव। सेकेंडरी डेटा में मैंने कहा कि मैं जो हूँ मैं किसी बच्चे को बोल दूँ कि हाँ बेटा आप इसको टॉपिक समझा देना, तो उसका मतलब क्या हो गया, अब वो बच्चा जो समझा रहा है वो थर्ड पर्सन हुआ कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है। ये बच्चे की भी काबिलियत होती है कि माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे क्लास के अंदर जो टॉपिक को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा लगता है क्लास में, ठीक है ना। फिर दूसरी बात हमने कही कि जब कोई एक्सीडेंट हो रहा था तो रिपोर्टर जो है वो जो न्यूज कास्टर था, न्यूज रिपोर्टर था, सॉरी न्यूज कास्टर तो अलग चीज होती है, न्यूज रिपोर्टर जो था उसने डेटा देखा, वो एक्सीडेंट देखा और उसको मैं उसको क्या कर दिया, उस ब्रांड जिस ब्रांड में वो काम कर रहा था उसने वो बता दिया वो एक्सीडेंट उसने देखा है, इस तरह से यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो क्या होता है फिर वो जो है वो जो न्यूज पेपर में वो चीज क्या आ जाती है, एक स्लाइड बन के आ जाती है, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ रहे होते हैं। तो हम जब पढ़ रहे होते हैं, हम रीड कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त क्या कर रहे हैं, हमारे लिए वो डेटा क्या हो गया, हमारे लिए डेटा वो सेकेंडरी हो गया, जबकि उस रिपोर्टर के लिए वो डेटा क्या था, प्राइमरी था। अब टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, टीवी में प्रोग्राम न्यूज देख रहे हैं, तो जो डेटा वो हमें दे रहा है, जो डेटा वो हमें दे रहा है, क्या वो डेटा हमारे लिए प्राइमरी है सेकेंडरी है, जो हम न्यूज पेपर न्यूज न्यूज बल्कि टीवी में बात कर रहा हूँ मैं, कि टीवी के अंदर जो हम न्यूज देख रहे होते हैं, मुझे बात बताएं कि वो डेटा हमारे लिए क्या होता है, वो डेटा हमारे लिए क्या प्राइमरी डेटा होता है या वो सेकेंडरी होता है। गुड, शाबाश, यस एग्जैक्टली। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का टॉपिक जो है वो डेटा और उसके बाद फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा भी हमने सर बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आपका इसका जो डिफरेंसेस है वो आप बना सकते हैं, डिफरेंसेस आप बड़े आराम से बना सकते हैं, आपने पिछले पॉइंट्स पढ़े। आप एक काम करिएगा, आप जो है वो इसका मतलब दोनों स्लाइड्स आपके पास हैं, इसका डिफरेंस आप अपने पास क्या कर लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब खुद से बना लें तो फिर जो मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उस नोट्स के थ्रू आप उसको चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, अगर कोई डिस्कशन है तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड टिल देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एनी क्वेरी, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? ओके ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर्स, एंड अल्लाह हाफिज़।